बाबा जी को क्या कह रहे हो आप बाबा? ध्यान से देखिए इस मास का तोड़ोगे ये तोड़ूंगा ये क्या ये तोड़ूंगा ये क्या ये मम्मा को तोड़ोगे आप मम्मा को ये तोड़ो तोड़ो तोड़ोगे आप भी तोड़ोगे मैं तोड़ूंगा मैं क्यों तोड़ूंगा ये तो मेरा ही है आप लाइट लगा पापा। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो बाबू की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है एक हफ्ते से, और हमने उसको स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि ना मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने की वजह से ये सब हो रहा है। और ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, मैं इसको किचन में कहीं पे भी बिठा रही तो ये रोए ही जा रहा था। फिर मैं इसको एमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके गई। उसके बाद शाम को आने के बाद मैंने इसको फ़ोन दिया, ये यूट्यूब देख रहा था, तो तभी मेरे अचानक से याद आया, उसमें ये वीडियो दिखा रहे थे, तभी मैंने इसको ये पालना निकाल के दिया कि चलो ठीक है थोड़ी देर इसका मूड सही हो जाएगा। तो इसका मूड बिल्कुल ओके हो गया था इसे देख के, लेकिन पता नहीं यार घर वालों को मोहल्ले पड़ोसियों को क्या प्रॉब्लम है, सब इसको देख देख के बोल रहे थे यार कितना छोटा बच्चा है, तुम बड़े हो गए, तुम 3 साल के हो गए, इसमें क्यों बैठे हो, इसमें छोटे बच्चे झूलते हैं। भाई बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। और इसने ये इसको इतनी खुशी हो रही थी इस झूले को देख के, ये बोल रहा था मम्मा लेके आइए, और ये ना अपने बाबू को भी इसमें झुला रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है इतना ही इसके साथ में बैठा है खेल रहा है, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मैंने बनाया था पालक पनीर, तो पालक ने मैंने एक दिन पहले ही साफ़ करके रख दिया था क्योंकि बाबू की तबीयत जो है मैंने बताया एक हफ्ते से ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे ना मैंने इसमें मलाई डाली थी, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा था। पनीर भी मैंने फटाफट से कट कर लिया था, आटा जो है मैं वो पहले से ही लगा के रखती हूँ, बट उस दिन टाइम टू टाइम आटा भी लगावा नहीं था, फिर मैंने आटा लगाया फटाफट से। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, खैर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की और फिर वो बाबू को लेके बैठ गए। उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाला और अच्छे से मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दिया 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि पालक पनीर में कच्चा ही पनीर डलता है। और उसके बाद मैंने अच्छे से फटाफट से रोटी वगैरह लगाई, बाबू को दवाई वगैरह दी, दवाई भी ये बिल्कुल नहीं खा रहा है, दवाई खाते टाइम ये इतना रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये खाना आया था कनागत के नाम का, मतलब किसी ने अपनी मम्मी का या पापा का श्राद्ध किया था तो उनके यहाँ से आया था। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि भाई इतना अच्छा पकवान खाना आप मरने के बाद बनाते हो, इससे अच्छा है जीते जी अपने पेरेंट्स को खिला दो, नहीं भी खिला रहे तो कम से कम उन्हें इज्जत दो और कुछ।